खैर इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। दिल्ली से आ गए हैं क्या? खैर इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। दिल्ली से आ गए हैं क्या? बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के सत्ता पक्ष लगातार ये कहते रहा है कि वो तो प्रवास पे रहते हैं, दिल्ली में अधिकतर तेजस्वी यादव अपना समय व्यतीत करते हैं, या तो वो कोरोना का काल हो या बाढ़ जैसी आपदा हो, तेजस्वी प्रवास पर थे। अब देखिए उत्तर प्रदेश के कल परिणाम आएंगे, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बिहार की भी राजनीति गर्म हो गई है। इसको लेकर के देखिए जो है भारतीय जनता पार्टी एक तरफ दावा कर रही है कि उनकी सरकार फिर से बन रही है, तो वहीं सपा की साइकिल भी चलेगी, ये समाजवादी पार्टी का दावा है। अब देखिए तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि एग्जिट पोल्स के लड्डू भारतीय जनता पार्टी को खाने दीजिए, असल लड्डू तो अखिलेश यादव ही खाएंगे क्योंकि वो वहाँ मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसको लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने चुटकी ली है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि क्या तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना आ गए, उन्हें नहीं पता था। तारकिशोर प्रसाद ये कह रहे थे कि क्या तेजस्वी यादव दिल्ली में चूंकि वो हमेशा रहते हैं तो क्या वो पटना आ गए, क्योंकि तेजस्वी यादव का ये बयान आया था और मीडिया ने तेजस्वी यादव के इस बयान को तारकिशोर प्रसाद के सामने रखा, तो तारकिशोर प्रसाद ने जवाब दिया कि तेजस्वी यादव क्या दिल्ली से पटना लौट गए। और तारकिशोर प्रसाद ने दावा किया है कि लड्डू तो भारतीय जनता पार्टी ही खाएगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विकास के काम किए हैं, लिहाजा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनेगी। अब देखना होगा कि कल क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर सपा की। सुनिए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तेजस्वी यादव को लेकर के कैसे चुटकी ली है। बड़ी दूरी तय की है विकास के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी, उसका लाभ हमारे राज्यों को ही मिलेगा और खास करके जो राज्य में हमारे मुख्यमंत्री हैं वो लगातार अपने राज्य के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया, उसका लाभ बेहतर ढंग से कल प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है ईवीएम हैक किया जा रहा है। देखिए जब विपक्ष अगर किसी राज्य में सत्ता में आता है तो ईवीएम ठीक काम करता है, और उसे जब लगता है कि हम चुनाव हार रहे हैं और जनता की जीत हो रही है, सुशासन की जीत हो रही है, कुशल नेतृत्व की जीत हो रही है, तो फिर उसे लगता है कि ईवीएम में बदली हो गया, ईवीएम चेंज हो गया और इस तरह के घटिया आरोप लगाते हैं। भारत ऐसे लोकतांत्रिक देश में इस तरह का ओछा आरोप लगाना उचित नहीं। जीत का लड्डू कौन खाएगा? जीत का लड्डू कौन खाएगा? जीत का लड्डू इस देश की जनता खाएगी और जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए वहाँ के लोग विशेष रूप से खाएंगे। हम लड्डू खिलाएंगे, आप लोग एग्जिट पोल का लड्डू खाइए। खैर इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। दिल्ली से आ गए हैं क्या? लोग यहाँ दिल्ली बम्बई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए, वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।